आई एम शकलिन रजा फ्रॉम बीएचयू पाठशाला। आज हम फिर अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ के साथ वापस आए हैं। आज हम 2017 के क्वेश्चन पेपर को करेंगे, इसके बचे हुए सेक्शन जनरल अवेयरनेस और सोशल अवेयरनेस के। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, नासा इज़ द नेम ऑफ स्पेस एजेंसी ऑफ। ऑप्शन है हमारे नीदरलैंड, ब्रिटेन, अमेरिका, इंडिया। एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, अमेरिका। दोस्तों नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टर्डम है, यहाँ की करेंसी यूरो है और यहाँ की स्पेस एजेंसी का नाम है NSO, नेशनल स्पेस ऑफिस, और ये डच के द्वारा बनाई गई थी। अगला ब्रिटेन, ब्रिटेन की कैपिटल लंदन है, यहाँ की करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है। डिपार्टमेंट फॉर बिजनेस इनोवेशन एंड स्किल्स, ये इनकी स्पेस एजेंसी का नाम है। दोस्तों अगला ऑप्शन सी, अमेरिका, अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन DC है और यहाँ की करेंसी अमेरिकन डॉलर है दोस्तों, और यहाँ की स्पेस एजेंसी का आप नाम जानते ही, नासा। अगला ऑप्शन है ऑप्शन डी, इंडिया। हमारा इंडिया की कैपिटल और करेंसी आप जानते ही हैं। मैं चाहूँगा दोस्तों इंडियन स्पेस एजेंसी का नाम आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। हम आते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन के जाने से पहले मैं दोस्तों चाहूँगा कि आप लोग को नासा के बारे में कुछ बताता चलूँ। नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। नासा को 19 जुलाई 1958 में इस्टेब्लिश किया गया था और इसका मोटो है कि वी मेक एयर एंड स्पेस अवेलेबल फॉर एवरीवन। और इनके वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है अपोलो 11 का, जो कि इन्होंने पहली बार मून पे यानी चंद्रमा पे एक इंसान को भेजा और वहाँ से सक्सेसफुली वापस भी उनको बुलाया था। तो ये आप याद रखिएगा, याद रखने वाली चीज़ है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द मोस्ट पावरफुल अपर चैम्बर इन द वर्ल्ड इज़, ऑप्शन हमारे अमेरिकन सेनेट, ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स, राज्यसभा ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, एंड डी ऑप्शन इज़ नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, अमेरिकन सेनेट। दोस्तों अमेरिकन सेनेट है जो यूनाइटेड स्टेट कांग्रेस के अपर हाउस का नाम है, ब्रिटिश हाउस ऑफ द लॉर्ड ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के अपर हाउस का नाम है, और सी राज्यसभा ऑफ इंडियन रिपब्लिक, आप सभी लोग जानते हैं ये इंडियन पार्लियामेंट के अपर हाउस का नाम है राज्यसभा। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ जर्नल ब्रॉट आउट बाई अबुल कलाम आज़ाद। हमारे ऑप्शंस हैं अल हिलाल, कॉमरेड, द इंडियन सोशोलॉजिस्ट, जमींदार। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, अल हिलाल। दोस्तों अल हिलाल एक वीकली उर्दू न्यूज़पेपर था जो कि ब्रिटिश राज को क्रिटिसाइज़ करता था और इंडियन मुस्लिम को प्रोत्साहित करता था ताकि वो इंडियन मूवमेंट में आके हिस्सा लें। अगला है कॉमरेड। दोस्तों कॉमरेड एक इंग्लिश न्यूज़पेपर था जो कि पब्लिश किया गया था मोहम्मद अली जौहर के द्वारा 1911 से 1914 के बीच में। अगला दोस्तों है द इंडियन सोशोलॉजिस्ट। दोस्तों ये हमारे श्याम जी कृष्णा वर्मा के द्वारा पब्लिश किया था 20th century में। ये एक नेशनलिस्ट जर्नलिस्ट था हमारा। अगला है जमींदार। दोस्तों जमींदार एक इंडियन मुस्लिम न्यूज़पेपर था जो कि उर्दू में आया करता था। इसके फाउंडर थे मौलाना जफ़र अली ख़ान। तो दोस्तों आई होप आप सभी लोग को समझ आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA इज सिचुएटेड एट, ऑप्शंस हमारे खड़कवासला पुणे, देहरादून, अलाहाबाद, चेन्नई। तो दोस्तों हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, खड़कवासला पुणे। दोस्तों देहरादून उत्तराखंड की कैपिटल है, अलाहाबाद UP का एक राज्य है अलाहाबाद UP के एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि आज प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, और डी चेन्नई तमिलनाडु की कैपिटल है। और दोस्तों कुछ चीज़ें मैं आपको इंडिया के बारे में बताता चलूँ। इंडिया का फाउंडेशन 7 दिसंबर 1954 में हुआ था और इसकी नींव धरी गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 6 अक्टूबर 1949 में। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वॉट इज़ द करेक्ट स्टेट एंड कैपिटल दी हुई है। यूएई की कैपिटल अबू धाबी है दोस्तों, सऊदी अरब की कैपिटल रियाद है, जॉर्डन की कैपिटल अम्मान है और लीबिया की कैपिटल ट्रिपोल है। तो दोस्तों इस हिसाब से हमारा करेक्ट ऑप्शन होता है ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बुद्धिस्ट इज़ फाउंड इन, सबसे ज़्यादा बुद्धिस्ट किस राज्य में पाए जाते हैं। तो हमारे ऑप्शन है बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। एंड करेक्ट ऑप्शन इज सी, महाराष्ट्र। दोस्तों महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बुद्धिस्ट पाए जाते हैं। बिहार की कैपिटल पटना है दोस्तों, कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु है, महाराष्ट्र की मुंबई, और उत्तर प्रदेश की दोस्तों लखनऊ है। दोस्तों बुद्धिज़्म
को माना जाता है कि ये 6वीं सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट यानी पूर्व ईसा में ये बना बना था। इसके जो फाउंडर हैं लॉर्ड बुद्धा हैं, लॉर्ड बुद्धा के द्वारा ये फाउंड किया गया था, बना था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 47, द थर्मल पावर प्लांट ऑफ बोकारो इज लोकेटेड इन। ऑप्शंस हमारे हैं ए बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, एंड करेक्ट ऑप्शन इज सी झारखंड। दोस्तों बोकारो एक झारखंड के डिस्ट्रिक्ट का नाम है, बिहार की कैपिटल अभी मैंने आपको बताया है, छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है दोस्तों, उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है। दोस्तों थर्मल पावर प्लांट ऑफ बोकारो जो है एक कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है जो कि 630 मेगावाट पावर प्रोड्यूस करता है। ये बैंक ऑफ कोहर रिवर यानी कोहर रिवर के किनारे ये बनाया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। द सॉन्ग अमर सोनार बांग्ला रिटन ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट ऑफ इंडिया इंस्पायर्ड द लिबरेशन स्ट्रगल ऑफ बांग्लादेश एंड वॉज एडॉप्टेड एज नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश। हु रोट दिस सॉन्ग? दोस्तों स्वदेशी मूवमेंट के दौरान गीत अमर सोनार बांग्ला जो कि बांग्लादेश की लिबरेशन स्ट्रगल को काफ़ी प्रभावित किया था, किसके द्वारा लिखा गया है? तो हमारे ऑप्शन है रजनीकांत सेन, द्विजेंद्र लाल रे, मुकुंद दास, रविन्द्रनाथ टैगोर, एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी मुकुंदनाथ टैगोर। दोस्तों रजनीकांत सेन एक बंगाली पोएट थे जो कि भक्ति और देशभक्ति के गानों को लिखा करते थे। हमारे ऑप्शन डी है जो द्विजेंद्र लाल रे, ये कभी इनको ज़्यादातर डीएल रे के नाम से भी जाना जाता है, ये भी एक बंगाली पोएट थे जो कि भक्ति और देशभक्ति में विश्वास रखते थे, इन्हीं की लेख को लिखते थे, और इनकी एक फेमस बुक का नाम है चंद्रगुप्त। अगले हैं जो मुकुंद दास। मुकुंद दास एक बंगाली पोएट सिंगर थे और एक देशभक्त भी थे जो कि स्वदेश मूवमेंट को बंगाल के गाँव के इलाकों में फैलाने का काम किया था। और ऑप्शन डी हमारे जो थे रविन्द्रनाथ टैगोर, दोस्तों आप जानते हैं ये भी बंगाल से थे, ये भी हमारे फ्रीडम फाइटर में आए थे और ये एशिया के फर्स्ट नोबेल प्राइज़ विनर भी रह चुके हैं। तो दोस्तों अब अगले ऑप्शंस पे आते हैं, सॉरी अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द फॉलोइंग ट्रॉफी इज़ नॉट एसोसिएटेड विथ क्रिकेट। तो दोस्तों रणजी ट्रॉफी आप जानते हैं क्रिकेट से, एशिया कप भी आप जानते हैं क्रिकेट से, सिंगर अकाई निधास ट्रॉफी दोस्तों आप जानते, याद होगा आपको निधास ट्रॉफी में दिनेश कार्तिक की लास्ट ओवर की बैटिंग, और रोहिंगटन बरिया ट्रॉफी ये भी दोस्तों क्रिकेट से ही है, ये यूनिवर्सिटी लेवल पे क्रिकेट कराती है। तो दोस्तों ये सारे ऑप्शंस जो हैं क्रिकेट से एसोसिएट करते हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें उन्होंने ऑप्शन नहीं दिया है वो जो ये पूछना चाह रहे थे। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन एमंग द फॉलोइंग मेजर सिटीज इज मोस्ट ईस्टवर्ड लोकेटेड। ऑप्शन हमारे हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ, बेंगलुरु। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी लखनऊ। हैदराबाद दोस्तों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की कैपिटल है, भोपाल मध्य प्रदेश की है, लखनऊ उत्तर प्रदेश, और बेंगलुरु कर्नाटका की। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। एलिफेंटा पास इज मेंशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ अफेयर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन हमारे ए बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, और करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों श्रीलंका। दोस्तों एलिफेंटा के बारे में कुछ आप जान लें। एलिफेंटा पास जो कंट्रोल करता है एक्सेस जफन्ना पेनंसुला, जो श्रीलंका में पेनंसुला जफन्ना पेनंसुला इसकी कंट्रोल को एक्सेस करता है, ये एक इम्पॉर्टेंट मिलिट्री बेस है और यहाँ पे बहुत सारे सिविल वॉर हो चुके हैं। इसका कंट्रोल ये इस्टेब्लिश 1952 में हुआ था, इसका कंट्रोल 1952 से 2000 तक श्रीलंकन आर्मी के पास था, लेकिन 2000 ईस्वी से 2009 तक लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ने इसको कंट्रोल करके रखा था, फिर 2019 से अब तक ये श्रीलंकन आर्मी के ही हाथों में है। श्रीलंका की कैपिटल दोस्तों आप लोग जानते ही हैं श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे है। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, इंडिया की कैपिटल आप दोस्तों जानते ही हैं, नेपाल की कैपिटल दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, कमेंट बॉक्स में इसकी कैपिटल मेंशन करिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन बैंक इज़ नॉट अ नेशनलाइज बैंक। और ऑप्शन हमारे कॉरपोरेशन बैंक, देना बैंक, फेडरेशन बैंक, विजया बैंक। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी फेडरेशन बैंक। फेडरेशन बैंक इंडियन नेशनलाइज बैंक नहीं है दोस्तों ये। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज इज सिचुएटेड इन। और हमारे ऑप्शंस हैं दोस्तों हैदराबाद, कोयम्बतूर, बिदर, आगरा।
तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी कोयम्बतूर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए रिसिपिएंट ऑफ भारत रत्न अवार्ड। ऑप्शन आर उस्ताद बिस्मिल्ला खान, सत्यजीत रे, लता मंगेशकर, दिलीप कुमार। और ऑप्शन डी करेक्ट होगा, दिलीप कुमार को भारत रत्न अवार्ड नहीं मिला है। दोस्तों बिस्मिल्ला खान एक शहनाई वादक थे, सत्यजीत लेजेंडरी फिल्म मेकर, लता मंगेशकर आप सभी जानते हैं ये एक सिंगर थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इज सिचुएटेड एट। ऑप्शन है रांची, जयपुर, कोटा, हरिद्वार। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए रांची। दोस्तों रांची किस राज्य की कैपिटल है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जयपुर एक राजस्थान की कैपिटल है, कोटा राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है, हरिद्वार ये उत्तराखंड में आता है। दोस्तों बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जो कि इंजीनियरिंग कराती है, टेक्नोलॉजी के कोर्सेज कराती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग एनिमल ऑफ इंडिया, क्रोकोडाइल, एलिफेंट, विच ऑफ दिस आर इंडेंजर्ड स्पीसीज। ऑप्शन ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन एंड टू। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी बोथ वन एंड टू। दोस्तों क्रोकोडाइल एंड एलिफेंट आज के समय में दोनों ही इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं इंडिया में। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आंध्र प्रदेश हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, गुजरात हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन एबव इज आर करेक्ट। ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन वन और टू। करेक्ट ऑप्शन इज डी नाइदर वन और टू। दोस्तों गुजरात के पास नहीं, सबसे लंबा कोस्ट लाइन है, सबसे लंबा कोस्ट लाइन गुजरात के पास है, और यूटी में अंडमान एंड निकोबार के पास सबसे लंबा कोस्ट लाइन है, और सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट यूपी के पास है ओवरऑल, लेकिन सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट किसके पास है, केरला के पास, चार। ठीक है दोस्तों ये बातें याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जायद बिन सुल्तान अल नज़याम वॉज अ लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ओमान, कुवैत, यूनाइटेड अरब एमिरेट, सऊदी अरब। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी यूएई। दोस्तों ओमान की कैपिटल मस्कत है और इसकी करेंसी ओमानी रियाल है। दोस्तों कुवैत की कैपिटल कुवैत सिटी है और इसकी करेंसी कुवैती दिनार है। दोस्तों यूएई की कैपिटल अबू धाबी है और इसकी करेंसी दिरहम है, और सऊदी अरब की दोस्तों कैपिटल रियाद है और इसकी करेंसी रियाल है। दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये सारी बातें आप याद रखिएगा। दोस्तों हु एमंग द फॉलोइंग रोड द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो अलॉन्ग विथ कार्ल मार्क्स। ऑप्शन हमारे एमाइल डर्खिम, फ्रेडरिक एंगल्स, रॉबर्ट ओवेन, मैक्स वेबर। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी फ्रेडरिक एंगल्स। दोस्तों कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कहता है कि कैपिटलिस्ट है जो वो आत्मविनाश का कारण बन सकता है, इसलिए इसको रिप्लेस किया जाए सोशलिस्ट से और कम्युनिज्म से। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ऑप्शन से हमारी पौंडुचेरी यूनिवर्सिटी, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास चेन्नई। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास चेन्नई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा होगा सोशल अवेयरनेस का। तो पहला क्वेश्चन है, हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड इज, तो ऑप्शन हमारे पद्म विभूषण, पद्मश्री, भारत रत्न, परमवीर चक्र। दोस्तों करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी भारत रत्न, इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। अच्छा दोस्तों सबसे पहले आप इसको कमेंट बॉक्स में बताएं, नहीं, हाँ इसको कमेंट बॉक्स में आप बताइए पहले भारत रत्न अवार्डी कौन थे। दोस्तों पद्म विभूषण जो है वो सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत का, और बी पद्मश्री जो है ये फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, और दोस्तों ऑप्शन डी जो है परमवीर चक ये हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन है, यानी ये मिलिट्री का सबसे ऊंचा अवार्ड है। तो दोस्तों पहले परमवीर चक्र विजेता थे मेजर सोमनाथ शर्मा, आर्मी से थे ये। पहले भारत रत्न अवार्डी जो थे वो हमारे सीवी रमन जी थे। सीवी रमन जी किस फील्ड में पाए पाए था इन्होंने भारत रत्न को, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। पद्मश्री के पहले अवार्डित थे बलवीर सिंह दोसंझ, ये हॉकी में ये हॉकी प्लेयर थे, इन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीता इंडिया के लिए ओलंपिक्स में। और पद्म विभूषण के अवार्डी का आप नाम बताएंगे, कम से कम 2 फर्स्ट अवार्डी जो एक बार में पाए गए थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं,
जामिया मिल्लिया इस्लामिया वॉज इस्टेब्लिश टू, ऑप्शन हमारा है प्रोटेक्ट द इंफरेस्ट ऑफ मुस्लिम, प्रोटेक्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन, प्रोमोट मुस्लिम एजुकेशन, डी नोन ऑफ द एबव। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, जामिया मिल्लिया प्रोटेस्ट करने के लिए बनाया गया था ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन को। दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना इज मीन फॉर, ऑप्शन हमारे फाइटिंग कास्ट सिस्टम, रिमूवल ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग, रिडक्शन इन पॉवर्टी एंड इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, प्रमोटिंग अम्बेडकर फिलासफी। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, रिडक्शन इन पॉवर्टी एंड इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। दोस्तों अम्बेडकर वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना जो था सर, ये रूलर और अर्बन एरिया के स्लम के जो आवासी थे इनको फाइनेंशियल और एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट देने के लिए ये स्कीम लाई गई थी। और इसमें से इन्होंने इस स्कीम में कोशिश किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा घर प्रोवाइड करा सके इन स्लम एरियाज़ के लोगों को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज इज़ कंसिडर्ड बाई ए बैंक वेन इट गिव्स लोन अगेंस्ट LIC पॉलिसी। ऑप्शन हमारे हैं फेस वैल्यू, सरेंडर वैल्यू, इंश्योर्ड वैल्यू, डी ऑल ऑफ दिस। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, सरेंडर वैल्यू। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 10 कमांडमेंट्स वर रिवील्ड बाई गॉड टू, ऑप्शन ए अब्राहम, मोसेस, जैसे पीटर। करेक्ट ऑप्शन इज मोसेस। दोस्तों इसमें ये 10 कमांडमेंट्स में ये था कि इनको बोला गया था जो इनके बिलीवर्स होंगे वो सिर्फ एक ही ईश्वर मानेंगे, वो ईश्वर के ऊपर कोई नहीं होगा, दूसरा कोई भी ईश्वर की मूर्ति या प्रतिमा नहीं बनाएगा, ऐसे ही मतलब करके 10 कमांडमेंट्स थे। दोस्तों अब्राहम जो थे फाउंडर ऑफ जूडिज़्म, इनको कहा जाता है जूडिज़्म के फाउंडर थे, और मोसेस को भी जूडिज़्म में बहुत ज़्यादा वैल्यू है, जैसा आप जानते हैं दोस्तों फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी, और पीटर जो थे ये क्रिश्चियनिटी के 12वें दूत थे। हाँ होप आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड ए स्पूल, स्पैम, स्टैम, जंक ईमेल। करेक्ट ऑप्शन इज बी, स्पैम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, हु रिप्लेस प्लानिंग कमीशन, ऑप्शन हमारे नीति आयोग, नियम आयोग, नियंता आयोग, प्रीति आयोग। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन है नीति आयोग। दोस्तों 2015 में नीति आयोग को लाया गया था, उससे पहले प्लानिंग कमीशन था। प्लानिंग कमीशन का क्या काम था, ये 5 ईयर पंचवर्षीय योजना को ये बनाया करते थे, तो इसको रिप्लेस करके नीति आयोग ला गया। नीति आयोग का फुल फॉर्म दोस्तों है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसको 1 जनवरी 2015 को लाया गया था। इसका मेन वर्क है, इसको सरकार के थिंक टैंक के नाम से भी इसको जाना जाता है। दोस्तों इसका बेसिक काम ये होगा कि ये सजेशंस देगा, विचार देगा गवर्नमेंट को, और इसके अध्यक्ष हमारे प्राइम मिनिस्टर जी होते हैं, और इसके गवर्नर काउंसिल होते हैं सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के CM और उसके शासक। और दोस्तों इसमें कुछ और लोगों को रखा जाता है, जैसे जो कि अपनी अपनी फील्ड में स्पेशलिस्ट हों, किसी भी अच्छे फील्ड में जो कि कंट्रीब्यूट किए हों, एक किसी फील्ड में उनका एक अच्छा कंट्रीब्यूशन हो। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग नॉलेज एंड स्किल फॉर ए स्पेसिफिक जॉब इज ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस, अप्राइजल, लीडरशिप। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, ट्रेनिंग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एसेंशियल फाइनेंशियल सर्विस टू द पुअर पीपल टू ब्रिंग देम इन द नेटवर्क ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। हमारे ऑप्शंस हैं इंश्योरेंस फॉर लाइफ, इन्वेस्टमेंट प्लान फॉर फ्यूचर, पेंशन फॉर ओल्ड एज, अ बैंक अकाउंट वेयर ही सी कैन सेव स्मॉल अमाउंट। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, अ बैंक अकाउंट वेयर ही सी कैन सेव स्मॉल अमाउंट। एक बैंक खाता जहाँ पे ये छोटे अमाउंट्स को सेव कर सके। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन केरला इज द लोएस्ट एमंग मेजर इंडियन स्टेट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड रीजन फॉर दिस। जो पॉपुलेशन ग्रोथ है केरला रेट की सबसे कम है, तो इसका क्या कारण हो सकता है दिए गए ऑप्शंस में। तो पहला ऑप्शन है, केरला हैज़ मेड हाइएस्ट इन्वेस्टमेंट इन फैमिली प्लानिंग, केरला हैज़ द हाइएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया, केरला हैज़ इन्वेस्टेड हैविली इन प्रोमोटिंग लिटरेसी एंड पब्लिक हेल्थ
एंड प्लेस्ड हाई प्रायोरिटी ऑन सोशल पॉलिसीज. द पॉपुलेशन पिरामिड इन केरला हैज़ रिलेटिवली फ्यूअर वुमेन इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. केरला हैज़ इन्वेस्टेड हैविली इन प्रोमोटिंग लिटरेसी. केरला ने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है लिटरेसी को, यानी शिक्षा को बढ़ाने में, और इसका शिक्षा को बढ़ाने में पब्लिक, यानी पब्लिक हेल्थ, पब्लिक स्वास्थ्य प्लेस हायर प्रायोरिटी ऑन सोशल पॉलिसीज, और इन्होंने बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया है सोशल पॉलिसीज़ को भी बनाने में. तो अगली क्वेश्चन की तरफ आते हैं. ट्राई रिफर्स टू टेरेस्ट्रियल रिमोट सेंसिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीकम्युनिकेशन रिसर्च अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्रांसपोर्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया. करेक्ट ऑप्शन इज डी, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया. दोस्तों ट्राई 1997 में लाया गया था, इसका एक एक्ट बना था, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट, जिसमें इन्होंने ये कहा गया था कि पब्लिक इंटरेस्ट को जगाए रहेंगे नेटवर्किंग में, और ये तो दोस्तों अब अगली क्वेश्चन पे चलते हैं. विच इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया. ऑप्शन हमारे टुमकुर, सिकंदराबाद, भोपाल, नॉन ऑफ द एबव. करेक्ट ऑप्शन इज डी, नॉन ऑफ द एबव. दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया बेंगलुरु को बोलते हैं. दोस्तों सिकंदराबाद हैदराबाद यानी तेलंगाना में पाया था, भोपाल आप जानते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी है. अगले क्वेश्चन पे आते हैं. द नेम ऑफ द यूनियन गिवेन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज. ऑप्शन हमारे हिंदुस्तान और भारतवर्ष, इंडिया और हिंदुस्तान, इंडिया और भारत, भारत देश और इंडिया. करेक्ट ऑप्शन इज सी, इंडिया और भारत. ये दोस्तों आर्टिकल 1 में मेंशन है, इंडिया दैट इज भारत करके. अगले क्वेश्चन पे आते हैं. परफॉर्मेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चरल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, टेलीकॉम. सॉरी दोस्तों ऑप्शन बी, टेक्सटाइल सेक्टर. दोस्तों हमारे चार इंफ्रास्ट्रक्चरल सेक्टर हैं जो इकोनॉमी को फॉलो करते हैं. पहला होगा हमारा ट्रांसपोर्ट, दूसरा होगा कम्युनिकेशन, तीसरा होगा सीवेज, और जो चौथा हमारा होगा वाटर एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम. तो दोस्तों इन चारों, ये चारों इकोनॉमी को फॉलो करते हैं, लेकिन ये टेक्सटाइल सेक्टर जो है हमारे कोई इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं पाया जाता है. तो होप्स दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा. अगले क्वेश्चन पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स. ऑप्शन हमारे वेल्थ टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, इनकम टैक्स. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, वैल्यू एडेड टैक्स. दोस्तों ये हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं उसकी जब भी प्राइस लगाई जाती है तो उसमें एक टैक्स लगता है, उसको बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स. वेल्थ टैक्स दोस्तों हमारा होता है जो एक इंडिविजुअल की सारे एसेट्स, चाहे वो बिजनेस के हों या पर्सनल, सारे मिला के जो होते हैं उसको वेल्थ टैक्स बोलते हैं. कॉरपोरेशन टैक्स दोस्तों किसी भी कंपनी के प्रॉफिट में जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं कॉरपोरेशन टैक्स. इनकम टैक्स दोस्तों आप जानते ही हैं, आपकी एनुअल इनकम पे जो टैक्स लगता है उसको इनकम टैक्स बोलते हैं. अगले क्वेश्चन पे आते हैं. विच कंट्री इज़ नोन एज द लैंड ऑफ गोल्डन वूल. ऑप्शंस हमारे हैं इंडिया, टर्की, ऑस्ट्रेलिया, म्यांमार. करेक्ट ऑप्शन इज सी, ऑस्ट्रेलिया. दोस्तों टर्की की कैपिटल अंकारा है और इसकी करेंसी है टर्किश लीरा. ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा है और इसकी करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जैसा आप जानते हैं दोस्तों. दोस्तों म्यांमार की कैपिटल और इसकी करेंसी का मैं चाहूँगा कि जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दें हमें. अगले क्वेश्चन पे आते हैं. कलिंगा इन ओल्डर डेज इज नोन एज. ऑप्शन हमारे उड़ीसा, कोहिमा, कर्नाटका, महाराष्ट्र. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, उड़ीसा. दोस्तों कलिंगा सिर्फ उड़ीसा को नहीं बल्कि ईस्टर्न पार्ट जो थे आंध्र प्रदेश को उसको भी बोला जाता था. अगर ऑप्शंस में अगर आंध्र उड़ीसा दोनों रहे तो आप क्या करेंगे, आंध्र उड़ीसा यानी बोथ को वो सही करेंगे. अगर दोनों में से एक रहेगा तो किसी एक को कर दीजिएगा. ये ऑप्शन देख के आप लोग इसको लगाइएगा. अगले क्वेश्चन पे आते हैं. नंदा देवी पीक फॉर्म अ पार्ट ऑफ. ऑप्शन हमारे आसाम हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, पंजाब हिमालय. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, कुमाऊं हिमालय. अगले क्वेश्चन पे आते हैं. मेन स्ट्रीमिंग इज अ टर्म एसोसिएटेड विद कैरियर एजुकेशन, एजुकेशन फॉर हैंडीकैप्ड, इंटर एज क्लास ग्रुपिंग, इन्वायरमेंटल एजुकेशन. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन टी, इंटर
सॉरी दोस्तों, ऑप्शन बी एजुकेशन फॉर हैंडीकैप्ड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लॉर्ड वेंकटेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड इन, ऑप्शन हमारे कोस्टल आंध्रा, बी रॉयल रॉयल सीमा तेलंगाना, डी नोन ऑफ देव। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए कोस्टल आंध्रा। ये लॉर्ड वेंकटेश टेम्पल दोस्तों कोस्टल आंध्रा में सिचुएटेड है। तो दोस्तों आज हमारा सारा क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। तो तब तक के लिए दोस्तों बाय, होप आप सब सुरक्षित होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलिए दोस्तों बाय।